और भाई लोग क्या हाल है। मैं सच बता रहा हूँ, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज अमेजिंग होने वाली है। जो रिजल्ट आया है ना, वही सेम टू सेम आपका भी आएगा, क्योंकि हर एक चीज़ नेचुरल है और इजी टू डू है, आसान। डाइट आपने देखा। अच्छा, कल तो मैं फुल डे ईटिंग वीडियो लेके आने वाला हूँ लीन के लिए, क्या क्या मैं खाता हूँ ये सारी चीज़ें। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप यूट्यूब पर सर्च करोगे ना एब्स का वर्कआउट, तो कम से कम आपको 1,17,365 के आसपास एब्स का वर्कआउट वीडियो मिल जाएगा। आप कौन सा करोगे? कई बार आप देखते हो कि बहुत एडवांस ऐसे डिक्लाइन होके कभी डंबल ऊपर कर रहे हैं ऐसे ऐसे। भाई बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट है पोस्चर। एब्डोमिनल पोर्शन है, ऑब्लिक मसल्स है, अपर एब्स है, लोअर एब्स है, ऐसे करके अपन ट्रेन करेंगे तो, और डाइट अच्छी रखेंगे तो ऑटोमेटिक एब्स निकल के आएगा। इसके लिए जरूरी नहीं कि 200 रेपिटेशन आप लगाओ। समझो बात को, साइंटिफिक बात कर रहा हूं मैं। इस वीडियो में मैं 5 से 6 एब्स के वर्कआउट बताने वाला हूं आपको। वर्कआउट मैं कर रहा हूं और पीछे वॉइस ओवर होगा, जानबूझ के मैंने ऐसा किया है ताकि आप आराम से समझ पाओ उसको। तो गाइज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। अगर सच में आप अच्छे वेल डिफाइंड एब्स डेवलप करना चाहते हो सिर्फ 4 से 5 वर्कआउट करके या 5 से 6 वर्कआउट करके, तो इन वर्कआउट को आप अडेप्ट करो। जब आप करोगे ना तो खुद ही देखोगे कि रिजल्ट कैसा आया। विद इन 1 मंथ आपको फर्क पता चल जाएगा। अगर आपकी कंडीशनिंग ठीक ठाक है और अच्छी हो जाएगी, बिल्कुल एब्स नहीं है तो कंडीशनिंग आ जाएगी, मतलब विजिबिलिटी आ जाएगी, समझ रहे हो। तो ये मैं खुद करता हूँ इसीलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो चलो वीडियो में बने रहो एंड तक, देखना वीडियो को, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सारे वर्कआउट मैं वॉइस ओवर के साथ बताऊंगा और उसके बाद कल फुल डेटिंग वीडियो आएगी। तो चलो शुरू करते हैं। सो ये अपना पहला वर्कआउट होने वाला है, हैंगिंग लेग रेजेस। कोई भी ऐसी चीज को आप पकड़ लो, अगर घर पे कर रहे हो तो कोई भी लटकने वाला, और इसमें पैरों को सीधा लेके जाना और बॉडी को हिलाना नहीं है, बॉडी झूलनी नहीं चाहिए, सीधा। देखो ये देखो 90 डिग्री के एंगल पे कोर पे काम करेगा और एब्डोमिनल पोर्शन को स्ट्रेंथ देगा और वेल डिफाइंड एब्स डेवलप करने में हेल्प करेगा। इसके रिपीटेशन आप 20 निकाल सकते हो और 3 सेट कर सकते हो, जितना आपकी कैपेसिटी है, जितना आपसे हो उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। तो ये पहला वर्कआउट हो गया। अब सेकेंड वर्कआउट जो है अपना, ये है हैंगिंग लेग रेजेस, बट इसमें पॉस्चर जो है वो थोड़ा चेंज है। इसमें हम साइड की तरफ, ये देखो साइड ले जाएंगे। ये ऑब्लिक मसल्स के लिए ट्रस्ट मी बहुत इफेक्टिव वर्कआउट है। बिना पानी पिए पूरी वीडियो में बोलने वाला हूँ, तो एंड तक देखना, मेहनत बहुत कर रहा हूँ क्योंकि। तो देखो इसके भी आपको 20 रिपीटेशन निकालने हैं, 3 सेट्स, और अगर आपसे जैसे मान लो 12 हो रहा है, 15 हो रहा है, तो उस हिसाब से आप कोशिश करो जितना मैक्सिमम हो सके, बट मैक्सिमम 20, उससे ज़्यादा मत करना। ज़्यादा रिपीटेशन करिए कोई फ़ायदा नहीं है, मसल इंजरी और कर लोगे। तो इस तरीके से आपको देखो ऐसे और फिर इधर दोनों साइड। अब ये अपना थर्ड वर्कआउट, ये मेरा फेवरेट वर्कआउट है, इसको सीजर क्रंचेस कहते हैं। इसका पोस्चर बहुत ध्यान से देखना, दोनों हाथ जमीन पे, गर्दन उठा हुआ, पहले राइट ऊपर, अब लेफ्ट ऊपर, अब राइट नीचे, फिर लेफ्ट नीचे। कोई समझाएगा ऐसे? बता, कोई नहीं समझाता है ना। तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ये सब। वीडियो को लाइक कर दो, अभी तुरंत लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि एंड में मैं मिलने वाला नहीं हूँ, अब कुछ नहीं बोलूंगा, जो इंट्रोडक्शन था पहले ही था। तो इसके भी आपको 3 सेट्स लगाने हैं। यहाँ मैं एक एक ही सेट रिकॉर्ड करवाया वीडियो में, बट ये देखो अमेजिंग है। मैं तो कह रहा हूँ कोर को ऐसा ये चीर फाड़ कर देगा कोर के साथ, और ये फ्रंट और साइड दोनों पे इंपैक्ट डालेगा ये जो वर्कआउट है सीजर क्रंचेस। 3 सेट्स लगाने हैं, रिपीटेशंस धीरे धीरे बढ़ाना, जैसे कि 10, 12, 15 इस तरीके से, अगर आप कर सको तो। इसके बाद मैं थोड़ा सा जो है स्ट्रेच कर लूँगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि क्रैम्प बनाए। इस तरीके से आप स्ट्रेच कर सकते हो अपने एब्डोमिनल पोर्शन को। ये कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेच हो गया, एनीवेज। अब ये जो वर्कआउट है ये भी बहुत अमेजिंग वर्कआउट है, लोअर एब्स के लिए बहुत अमेजिंग है। 2 पोस्चर, ये देखो, पहले ऊपर किक करना है फिर फ्रंट में किक करना है, ये देखो ऊपर अब फ्रंट में। तो 1, 1, 2, 2 इस तरीके से काउंट करना है आपको 20, ठीक है? दोनों किक जब हो जाए उसको 20 काउंट करना है। तो 20 काउंट जब हो जाएगा तो फिर 2 सेट और लगा लेना इसके, ठीक है? 3 सेट्स बेसिकली मैं रखता हूँ हर वर्कआउट के आइडियली। तो ये वर्कआउट खत्म होता है अपना। अब ये वर्कआउट आपने देख रखा होगा माउंटेन क्लाइंबर, बट इसमें ट्विस्ट है एंड में, अभी दिखाऊंगा। ये तो आपको पता ही है, राइट नी राइट एल्बो, लेफ्ट नी लेफ्ट एल्बो। इस तरीके से आपको 20 रिपीटेशंस 3 सेट्स निकालने हैं। बट यहाँ पे इसके साथ जैसे ही आप 20 कर लेते हो एक सेट में, उसके बाद आपको क्या करना है, ये कैच है यहाँ पे, वेट करो अभी बताऊंगा। तो जस्ट वेट, आई थिंक वो स्टार्ट होने वाला है अभी। क्या करेंगे हम ना, दोनों पैर को साइड की तरफ किक करेंगे और फिर बीच में लाएंगे। ये देखो ये
आपके कोर को स्ट्रेंथ दे देगा और ऑब्लिक मसल्स को बहुत अच्छा इंपैक्ट करेगा। मैंने बोला बहुत एब्स वर्कआउट है, बट इसको आप ट्राई करके देखो, बस एक महीने करके देखो मेरे कहने पर, और देखो रिजल्ट कैसा आएगा गाइस। ठीक है, अब ये लास्ट वर्कआउट हम करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखो प्लेट ले लेना आप, अगर डंबल हो तो डंबल ले लेना, पॉस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ध्यान से देखना। ये देखो, हाँ, तो जिधर प्लेट है उसके ऑपोजिट साइड के हाथ को आपको सर पे रखना है, स्ट्रेट एल्बो इस तरीके से, और नीचे लेके जाना है। इसमें कई लोग गलती क्या करते हैं, पैरों को मूव कर देते हैं, पैर को मूव नहीं करना। देखो ध्यान से देखो, ये देख रहे हो, ये ऑब्लिक मसल्स के ऊपर जो रिबॉग मसल्स होता है ना उस पर पूरा पूरा इंपैक्ट डालेगा और साइड फैट की ऐसी तैसी कर देगा, आई मीन निकाल देगा। तो इस तरीके से आपको ईच साइड आपको 20-20 करना है इसमें, जैसे ये वन काउंट होगा, ये वन काउंट होगा, इस तरीके से ये करके आपको, फिर आप चाहो तो आप वेट बढ़ा सकते हो अगले सेट के लिए। तो एक साइड से कर लिया आपने, ये देखो, देख रहे हो क्या इंपैक्ट आ रहा है, ये देखो। मैं ये नहीं कह रहा अभी बहुत क्लियर है आपसे, क्योंकि अभी तो चल रहा है ना यार ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे थोड़ी कंप्लीट हो गया है, अभी तो एक महीना भी नहीं हुआ ढंग से, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है आपके सामने, है ना। तो ऐसे ही डाइट वर्कआउट सब मिलेगा आपको यहाँ पे फ्री ऑफ चार्ज, और जैसे मैं ट्रांसफॉर्म करूँगा वैसे आप भी कर सकते हो, सिंपल सी बात है। तो ये देख रहे हो कैसे मैं नीचे जा रहा हूँ, दोनों साइड इक्वली, है ना। प्लेट आपको किसी एक साइड रखना है और प्रेशर फिर उसको शिफ्ट करना है जब आप ऑपोजिट साइड जा रहे हो। अब देखो मैं उल्टी साइड से अब करके दिखाता हूँ, ये देखो इधर आ गया प्लेट, हाँ देख रहे हो विजिबिलिटी एब्स की। स्किन में थोड़ा वाटर है टू बी ऑनेस्ट, बट डिटेलिंग भी आ रही है, पहले से बेटर है। जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब पे उनको तो अच्छे से पता होगा कि क्या डिफरेंस आ रहा है बॉडी में, है ना। तो ये अपना लास्ट वर्कआउट होने वाला है। अब देखो आप इन वर्कआउट्स को एक बार ट्राई करके देखना मेरे बोलने पे, जितने वर्कआउट्स मैंने बताए आपको। मैं कह रहा हूँ जो यूट्यूब पे इतने सारे एब्डोमिनल एक्सरसाइजेज हैं आप कन्फ्यूज हो जाओगे कौन सा करें, तो आपके लिए मैंने छाट दिया। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फुल डाइटिंग के साथ, दैट विल बी ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।